दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस इंडियन फिल्म एक्टर अरशद वारसी की कंप्लीट बायोग्राफी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं उनकी बायोग्राफी से। दोस्तों अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था। 2022 के हिसाब से इनकी उम्र 53 इयर्स की है और प्रोफेशन से अरशद फिल्म एक्टर और कोरियोग्राफर है। अरशद वारसी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, उनका वेट लगभग 80 किलोग्राम है। अरशद वारसी ने अपने करियर की शुरुआत 1987 में महेश भट्ट की फिल्म काश से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। उसके बाद इन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म के एक गाने को कोरियोग्राफ भी किया था। अरशद वारसी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1996 में तेरे मेरे सपने मूवी से की। उसके बाद अरशद वारसी ने कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा नाम और शोहरत मुन्नाभाई MBBS में इनके निभाए गए कैरेक्टर सर्किट से मिली। आज अरशद वारसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाने माने बेहतरीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अरशद नेशनैलिटी से इंडियन है और इनका रिलीजन मुस्लिम है। अब दोस्तों जानते हैं इनकी वाइफ और चिल्ड्रन के बारे में। तो दोस्तों अरशद वारसी का मैटर स्टेटस मैरिड है। इनकी वाइफ का नाम मारिया गोरेटी है। बात करें इनके चिल्ड्रन की तो इनके बेटे का नाम जैकी वारसी है और इनकी बेटी का नाम जैनी जॉय वारसी है। अब दोस्तों जानते हैं इनके घर के बारे में। बात करें दोस्तों अरशद वारसी के घर की तो अरशद अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अरशद वारसी की कार कलेक्शन में इनके पास पहली कार ऑडी Q7 कार है जिसकी प्राइस 85 लाख इंडियन रुपीज है। इनकी दूसरी कार वॉल्सवैगन बीटली कार है जिसकी प्राइस 30 लाख इंडियन रुपीज है। इनकी तीसरी कार BMW 3 सीरीज कार है जिसकी प्राइस 45 लाख इंडियन रुपीज है। अब दोस्तों जानते हैं इनकी सैलरी और नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों अरशद पर मूवी को करने के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं बात करें इनकी नेटवर्थ की 2022 के हिसाब से तो इनकी नेटवर्थ है 300 करोड़ इंडियन रुपीस। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।